गुड मॉर्निंग एवरी। आज हम जेई मेंस के पेपर, फिजिक्स के पेपर के सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर है 8 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का और मैं किशन सिंह राठौर, फिजिक्स फैकल्टी सीएलसी सीकर। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लीक प्रूफ सिलेंडर ऑफ द लेंथ 1 मीटर मेड ऑफ द मेटल विच हैज़ द वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन द फ्लोटिंग वर्टिकल इन द वाटर एट 0 degree centigrade, such that the height above the water surface is 20 centimeter. When the temperature of the water is increased to the 4 degree centigrade, the height of the cylinder above the water surface is 21 centimeter. The density of the water at the T equals to 4 degree related to the density at 0 degree centigrade is close to. तो हमें क्या दिया है? एक 1 meter का हमारे पास ये cylinder है, okay? ये float कर रहा है water में और इस तरीके से फ्लोट कर रहा है कि 20 सेंटीमीटर जो है अबव द सरफेस है, बाकी अंदर की तरफ है। तो ये 80 सेंटीमीटर तो अंदर है और 20 सेंटीमीटर बाहर है और ऐसा ये 0 degree centigrade पे है, ठीक। फिर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और वाटर का टेम्परेचर जब हमने 4 degree centigrade कर दिया तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये जो है 21 सेंटीमीटर बाहर है तो अंदर कितना हो जाएगा? अंदर हो जाएगा 79 सेंटीमीटर, ओके? अब इस केस में जब ये चूंकि फ्लोट कर रहा है तो इसका वेट जो है वो बॉयंसी के इक्वल होना चाहिए, तो वेट इसका हो जाएगा mg, ओके, दैट इज इक्वल टू बॉयंसी। बॉयंसी हो जाएगी, अगर इसका एरिया जो है हम ए ले लेते हैं, ठीक है, तो अंदर जो वॉल्यूम हो जाएगा इसका वो 80 इंटू ए हो जाएगा इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 degree centigrade, ओके, 0 degree centigrade इंटू जी। ये पहली इक्वेशन हो गई और दूसरी इक्वेशन अगेन हो जाएगी एम जी, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, 79 इंटू ए, ये वॉल्यूम हो गया डिस्प्लेस लिक्विड का, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, प्राइम कह देते हैं 4 degree centigrade पे, इंटू जी। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हमने इक्वेट कर लिया, तो ये हो जाएगा 80 रो नॉट, ओके, 0 degree centigrade पे, ए जी से ए जी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 79, ओके, रो डैश। सो रो डैश बाय रो नॉट इज इक्वल टू 80 बाय 79, which is equals to 1.01. So third answer correct हो जाएगा। Next question है, effective capacitance of the parallel combination of two capacitors C1 and C2 is 10. तो C1 plus C2 हमें दे रखा है 10 parallel combination में, okay? When these capacitors are individually connected to a voltage source of 1 volt, energy stored in C2 is 4 times that of the C1. तो C2 में जो energy store हुई है half C2 V square और C1 में जो एनर्जी स्टोर हो रही है हाफ C1 वन स्क्वेयर और C2 वाली जो है 4 times है दैट ऑफ द C1। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया 4C2 इज इक्वल टू C1। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, ये 10 था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम C1 की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, C1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 5C2 हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 10। तो C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा 2 और C2 की वैल्यू 2 रख लेंगे तो C1 कितना हो जाएगा, 8, दैट इज ओके। अब बोल रहा है कि इफ दीज कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कितना हो जाएगा, 2 × 8 C1 × C2 अपॉन C1 + C2, दैट इज वॉट, 10। तो ये सी इक्वलेंट आ गया, ओके, तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 1.6, ओके, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, thermodynamic cycle x y z x is shown in the VT diagram and we have to draw the PV diagram. तो VT diagram में हम कोई भी एक process पकड़ते हैं जैसे x से लेके y तक, इस process में हम कह रहे हैं चूंकि origin से pass हो रहा है तो pressure क्या हो गया, constant, और यहाँ से यहाँ तक जाने पर volume क्या हो रहा है, increase हो रहा है। ऐसा किस curve में हो रहा है, देखें xy हम इसमें देखें तो इसमें pressure constant नहीं है, इसमें pressure constant है, इसमें नहीं है x वाई में, और इसमें भी एक्स वाई में प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है एक्स से वाई तक।
लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था ये यहाँ से यहाँ तक, और इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द मास 4m एंड लेंथ l पाइवेटेड एट द सेंटर। ए मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल पाई बाई 4 टू द रॉड अलॉन्ग एक्सिस। कोलाइड विद द वन एंड ऑफ द रॉड स्टिक टू इट द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड मास सिस्टम जस्ट आफ्टर कॉलिजन। तो कॉलिजन के बाद हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। ये हमारे पास रॉड है, ठीक है, इसको सेंटर से पाइवट कर रखा है, इसकी टोटल लेंथ जो है l है, तो ये l बाई 2 है, ये भी कितना है l बाई 2, ओके। मास इसका है दैट इज 4m, ठीक है। अब ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस से पाई बाई 4 के एंगल पे यहां पे एक पार्टिकल आ रहा है m मास का, जो इससे कोलाइड होता है v वेलोसिटी से आके। ये m मास का पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी है v, ओके। और हमसे पूछा है कि आफ्टर कॉलिजन, देखिए इसको यहाँ से पाइवोट कर रखा है, पाइवोट कर रखा है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल हिंजेस की फोर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसके अबाउट टॉर्क देख सकते हैं, और टॉर्क जो है जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम इस पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व लगाने के लिए हमने कहा कि ये इसकी दो वेलोसिटी थी, ओके, यहाँ पे आ जाएगा वी बाय रूट टू पाई बाई 4 की वजह से, ये भी वी बाय रूट टू, क्लियर। अब ये वाली वेलोसिटी तो जब ये कोलिजन कर रहा होगा तो यहीं से पास होगी, तो इसका कोई मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम में कोई रोल नहीं रहेगा, इसका रोल जरूर रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रॉड रेस्ट में था, इसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, इसकी बात करेंगे तो ये इसका मोमेंटम हो गया एम वी बाय रूट टू और मल्टीप्लाइड बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू, ये आ गया इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम। और आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम लेने के लिए जब यहाँ स्टिक हो जाएगा तो रॉड रोटेट करेगा ओमेगा से, तो आई ओमेगा लिखेंगे हम। आई तो हमें रॉड का लिखना पड़ेगा, हो जाएगा एम एल स्क्वेयर बाई 12, ये रॉड का लिख दिया एम एल स्क्वेयर बाई 12, प्लस प्लस हमें इसका लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा एम आर स्क्वेयर, पॉइंट मास है, पॉइंट मास के लिए हम ऐसे लिखेंगे एम आर स्क्वेयर और इंटू ये ओमेगा, ओके। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक एल भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा वी अपॉन टू रूट टू, ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा एल बाई 12, सॉरी एल बाई 3, तो 4 कर लेते हैं एक बार, ठीक है, 4 हमने कैंसिल नहीं किया। अब ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा एल बाई 4 इंटू ओमेगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 12 आपने एलसीएम ले लिया, 12 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 3 दैट इज 7 एल ओमेगा। यहां से हम ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो 6 रह जाएगा, 6 का ये हो जाएगा 3 रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 इंटू वी डिवाइड बाई 7 एल, सो आंसर हो जाएगा 4th, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम स्पेसिफाइड वेवलेंथ। इफ द मीडियम हैज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 3 एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 4 द वेवलेंथ विल बी। तो इसमें हमसे क्रिटिकल एंगल पूछा गया है, तो साइन थीटा सी, ठीक है, साइन थीटा सी की हम बात करें, ठीक, तो साइन थीटा सी हम लिख सकते हैं 1 बाय म्यू, ओके, और म्यू हम लिख सकते हैं, म्यू इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर म्यू आर, सी दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज अ रिलेटिव परमिबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं, ये है एक की वैल्यू 3 है, एक की वैल्यू 4 बाई 3 है, तो ये 1 बाई 4 आ जाएगा, दैट इज 1 बाई 2, तो थीटा सी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, द प्लॉट दैट डिपिक्ट द बिहेवियर ऑफ द मीन फ्री टाइम फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ द आइडियल गैस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पे मीन फ्री टाइम का जो है ग्राफ पूछा है टेम्परेचर के साथ। मीन फ्री टाइम को हम लिख सकते हैं लैम्डा बाय वी, जहाँ लैम्डा जो है मीन फ्री पाथ है और वी जो है यहाँ पे हम वी आर एम एस कह देते हैं,
अब हमें मालूम है कि लैम्डा तो जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन वीआरएमएस जो है वो वीआरएमएस डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से टॉ जो है टेम्परेचर के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, और इस बेस पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द गॉसियन सरफेस ई इज दिस, अच्छा ये हमें गॉसियन सरफेस के लिए फॉर्मूला दे रखा है, हम जानते हैं ई जो दे रखा होता है ई डॉट डी ए, ओके दैट इज सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये उसी का फॉर्मेट है ना, क्यू एनक्लोज, क्यू एनक्लोज इज द चार्ज एनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस, और एरिया ये ए दे रखा है। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास में ई डी ए कॉस थीटा होता है ये, और ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। अगर हमें इसको इंटीग्रल करना है तो डी हमारे पास वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है और ई भी वेरिएबल है, तो अगर हमें ई को बाहर निकालना है तो ई का मैग्नीट्यूड उस गॉसियन सरफेस पे कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ई का जब मैग्नीट्यूड गॉसियन सरफेस पे कॉन्स्टेंट रहेगा तो हम ई को बाहर निकाल पाएंगे, और दूसरा जब हमारे पास थीटा का वैल्यू नोन होगा 0, 90, 180 तभी हम जो है इस डी ए को इंटीग्रल करके 4πr² से लिख पाएंगे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक तो ई कॉन्स्टेंट होना चाहिए, दूसरा थीटा नॉन होना चाहिए, उसके लिए वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन द गॉसियन सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ई इज कॉन्स्टेंट ऑन द सरफेस, तो गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसा बनाएंगे जिसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहे कॉन्स्टेंट रहे, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कंसिडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस ए एंड डेंसिटी ए, मिनिमम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच इट विल फ्लोट, एक स्फीयर दे रखा है जिसका डेंसिटी जो है रेडियली वैरी कर रहा है, और हमसे पूछा है कि मिनिमम डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का मिनिमम डेंसिटी जब ये फ्लोट करे, अगर लिक्विड का डेंसिटी मिनिमम है तो उसका जो बॉयंसी फोर्स है वो भी कम आने वाला है, तो इसका मतलब स्फीयर को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा और सबमर्ज, यानी कि स्फीयर कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगा है ना, तब बॉयंट फोर्स सफिशियंट आएगा जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाएगा, क्योंकि डेंसिटी हमने क्या लिया है मिनिमम, डेंसिटी मिनिमम लिया है तो बॉयंट फोर्स को सफिशियंट करने के लिए जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगा। तो जब स्फीयर कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगा तो स्फीयर का जो एम जी होगा वो वेट दैट इज वही बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। ओके स्फीयर का एम जी निकालने के लिए बॉयंट वेट निकालने के लिए देखिए स्फीयर का ये स्फीयर है और यहाँ से यहाँ तक रेडियली जाने पर है ना सेंटर से पेरिफेरी की तरफ रेडियली जाने पर ये डेंसिटी वैरी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा ये डी आर बना लेते हैं, ओके और इसके लिए हम मास लिखते हैं डी एम, और इसके लिए जब मास डी एम लिखते हैं क्योंकि इसमें डेंसिटी को हम क्या मान सकते हैं कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, जब डेंसिटी इसमें कॉन्स्टेंट रहेगा तो हम इसके लिए मास कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम इसका डी इसका छोटा सा मास डी एम कैलकुलेट करते हैं और उसे क्या कर लेते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं ओवर रेडियस 0 to r, तो हमने कहा कि इस डी एम का मास कितना हो जाएगा, डी एम का मास हो जाएगा डेंसिटी दैट इज रो नॉट 1 - r² / r² मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है 4πr² dr, ये इसका डी एम हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेके R तक और फिर मल्टीप्लाइड बाई जी कर लिया हमने ये, इट इज ओके। अब हमने कहा बॉयंट फोर्स हो जाएगा 4/3πr³ पूरा स्फीयर सबमर्ज है ठीक है इनटू रो ऑफ लिक्विड, तो ये लिक्विड रो ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये बॉयंट फोर्स हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया ओके। तो इसको हम फर्दर इंटीग्रेट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से रो लिक्विड जो हमें मिलता है दैट इज 2ρ₀/5, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ग्राफ विच डिपिक्ट द रिजल्ट ऑफ द रदरफोर्ड गोल्डफेल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ द विद द अल्फा पार्टिकल, ओके थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल एंड दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल डिटेक्टेड एट पर्टिकुलर एंगल थीटा, तो ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम जानते हैं कि ये जो वाई दे रखा है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 sin θ/2 power 4, ओके तो इस बेस पे हमने कहा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, थीटा जब जीरो रखेंगे साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो वाई इन्फाइनाइट पे चला जाएगा, थीटा जीरो पे ठीक है वाई किस पे अप्रोच हो जाएगा इन्फाइनाइट पे, वाई इन्फाइनाइट पे अप्रोच हो जाएगा तो थीटा जीरो पे वाई इन्फाइनाइट के लिए हमारे पास ये कर्व है ओके, सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
When the photon of the energy 4 electron volt strike the surface of the metal, the ejected photo electron have the maximum kinetic energy T A and the de Broglie wavelength is lambda A. तो देखो पहले स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि इस तरीके से कोई मेटल सरफेस है और इस पे एक फोटोन गिराया जिसका एनर्जी था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो था वो टी ए था और दे ब्रोगली वेवलेंथ था लेमडा ए और ये जो सरफेस है ए सरफेस है. ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मेटल बी ऑफ फोटोन मेटल बी बाय फोटोन ऑफ दिस. अब एक मेटल बी और है, ठीक है, और उस पर फोटोन गिराया, उस पर जो फोटोन गिराया है वो कितना है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. ठीक, और इसके लिए जो टी बी दे रखा है काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू टी ए माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, और इसके लिए जो दे ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है वो लैम्डा बी दे रखा है. लैम्डा बी इज इक्वल्स टू गिवन टू टाइम्स ऑफ लैम्डा ए. लैम्डा बी इज टू टाइम्स ऑफ लैम्डा ए. देन वर्क फंक्शन ऑफ दिस, तो हमें इसका वर्क फंक्शन निकालना है बी का, तो फाइव बी कैलकुलेट करना है. तो हम लैम्डा के लिए जानते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, पी को हम लिख सकते हैं एम वी, है ना, और उसको लिख सकते हैं टू एम के काइनेटिक एनर्जी की टर्म में. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है तो एच बाई टू एम के, के इज टी ए, ये एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा इधर बी का लिखना है तो इसको टू टाइम्स कर लेते हैं, ये ए वाला इधर लिख दिया हमने. ठीक है, और बी के लिए इधर लिख देते हैं एच अपॉन 2MTB. ओके, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और TA उधर चला जाएगा, तो TA इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ TB. ये पहली इक्वेशन आ गई. दूसरी इक्वेशन, अच्छा पहली इक्वेशन हमारे पास है और एक क्वेश्चन में हमें ये दे रखी है, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई. यहां से हम TA TB निकाल सकते हैं, तो हमने TA का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, हम TB निकाल रहे हैं क्योंकि हमें T फाई ऑफ बी निकालना है. ओके, सो इसको रख दिया 4 टी बी. टी ए का वैल्यू कितना हो गया 4 टी बी. ओके, एंड माइनस 1.5. ठीक है, सो ये हो जाएगा कितना टी बी 3 टी बी इज इक्वल्स टू 1.5. ओके, अब हमने कहा यहाँ से टी बी जो कैलकुलेट होकर आया 3 से 3 कैंसिल, ये 3 बाई 2 है तो टी बी कितना हो गया 1 बाई 2, दैट इज व्हाट 0.5. ये 0.5 हो गया. टी बी जो है मैक्सिमम क्या है, काइनेटिक एनर्जी हो गई. अब हम इसके लिए आइंस्टीन की इक्वेशन लगाते हैं एच न्यू दैट इज 4.5, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है, दैट इज 5 बी प्लस 0.5 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो 5 बी हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप विद द ट्यूब लेंथ 60 सेंटीमीटर इज 5 एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. अच्छा टेलीस्कोप के लिए दिया है, अच्छा इसमें ये नहीं दिया है कि ये कौन से पे, मतलब उसको एडजस्ट किया गया, इनफाइनाइट पे किया गया, लीस्ट डिस्टेंस पे किया गया, तो हम इसको इनफाइनाइट पे लेके चलते हैं. तो इनफाइनाइट के केस में ट्यूब का जो लेंथ होता है वो होता है एफ नॉट प्लस एफ ई and that is equals to what 60 centimeter और m जो है वो होगा f naught by f e that is equals to 5 centimeter. तो f naught का वैल्यू आ गया 5 times of f e, तो f naught का वैल्यू यहाँ रख दिया 5 f e plus f e is equals to 60. सो f e की वैल्यू मिल गई हमें 10. अच्छा हमसे पूछा भी यही था f e कितना है, तो f e हो जाएगा 10, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. At t equals to 0, the magnetic field of the 1000 Gauss is passing perpendicularly through the area defined by the closed loop as shown in the figure. The magnetic field reduces nearly 500 Gauss in next 5 seconds, then EMF induced in the loop. तो loop में EMF पूछा है, ठीक है, तो magnetic field के perpendicular दे रखा है, तो EMF जो हो जाएगा, that is equals to d phi by dt. Okay, area constant है, area को बाहर निकाल दिया, तो b एरिया को बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी. ओके, इस लूप का एरिया, इस लूप का एरिया टोटल एरिया निकाल लेते हैं हम, और उसमें से ये दो ट्राइंगल का एरिया क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 4 दैट इज 64. माइनस करेंगे आप, इसका ले लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट और डबल करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टू 8
और मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, 10 टू द पावर, एरिया हो गया ये, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट इज 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। और डी वी बाई डी टी, 1000 गाउस से 500 गाउस का चेंज हुआ, तो टोटल 500 का चेंज आया, 1000 माइनस 500, और 5 सेकंड में आया, तो डी वी तो आपके पास में हो गया 500, और डी टी आपके पास में हो गया 5, और गॉस है तो 10 टू द पावर माइनस 4। टेस्ला में बदल दिया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, ओके, ये हो जाएगा 100, तो 10 टू द पावर माइनस 6, तो 56 ये वोल्ट में था, तो ये माइक्रो वोल्ट में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म फ्लैग शेप लेमिना ऑफ मास 4 kg, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम मास शो इन द फिगर। इस केस में हमसे इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये एक और पार्ट हो गया, ये एक पार्ट अलग हो गया, ये दूसरा पार्ट अलग हो गया। इसका जो अच्छा इसका जो टोटल एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 है और ये 1 है, तो इसका एरिया हो गया 3, और इसका एरिया हो जाएगा ये 1 और ये भी 1, तो 1, तो इसका एरिया तो 3 यूनिट्स का है और इसका एरिया 1 यूनिट का है, तो टोटल 4 यूनिट का एरिया है, और हमारे पास मास भी 4 kg दे रखा है, इसका मतलब हम इसका जो मास है वो 3 kg ले लेते हैं और इसका मास हम 1 kg ले लेते हैं, ताकि टोटल 4 kg का मास हो गया और एरिया भी इसका 3 टाइम्स था इसके मुकाबले, तो एरिया के रेशियो में हमने उसको डिवाइड कर लिया। अब ये 0-0 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है सिमेट्री से ये 0.5 यहाँ पे, और बिल्कुल ये 3 है तो 1.5 यहाँ यहाँ हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1.5, ये इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे सेंटर पे, इसका सेंटर पे कोऑर्डिनेट लेने के लिए यहाँ से ये 1 तो आ ही गया था और इसके बाद में 0.5 और है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1.5, और y कोऑर्डिनेट के लिए टोटल हम कितना चले गए, टोटल हम 3 तक ऊपर चले गए हैं, और 3 से ऊपर नीचे यहाँ पे आ गए बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे, तो 1.5 नीचे आ गए, तो ये 2.5 हो जाएगा, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। हमने इसके x y कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब हमारे पास में XCM का फॉर्मूला है, XCM हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1x1 ये x है और ये m है, m1x1 हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज 1.5 प्लस m2x2, ये रहा, ये भी 1.5, ओके, डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास था 4, तो ये आ गया 3/4, दैट इज 0.75 मीटर में। जब हम y निकालेंगे YCM, तो YCM हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, m1y1 ये रहा m1 और ये रहा y1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 4.5 हो गया। देन m2y2, m2 ये रहा, y2 ये रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2.5 हो गया, ऐड होके ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाय टोटल मास 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7/4, 7/4 ये हो जाएगा 1.75। इस बेस पे हम देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ द लाइट स्प्रिंग हैविंग द स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट a, अनस्ट्रेच्ड लेंथ इज l, द अदर एंड इज फिक्स्ड, द सिस्टम इज गिवन द एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्प्रिंग सच दैट इट रोटेट इन द सर्कल ग्रेविटी फ्री स्पीड, द देन द स्ट्रेच लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज व्हाट। तो स्प्रिंग की लेंथ में स्ट्रेच पूछ रहे हैं, तो मान लो ये इसका नेचुरल लेंथ था, ओके, और यहाँ पे ये ब्लॉक था, देखिए जब ये रोटेट करता है तो इसका लेंथ यहाँ से हो गया के एक्स, लेंथ हो गया यहाँ पे पहले एल नॉट था, मान लो नेचुरल लेंथ, अब हो जाएगा एल नॉट प्लस एक्स, और ये मास एम है और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है के एक्स, जो फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है वही सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपेटल फोर्स हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू जो हो जाएगी एल नॉट प्लस एक्स, ओके, एंड ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ओमेगा ही है। अच्छा, हमें स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एल दे रखा है, तो हम इसको एल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्ट्रेच लेंथ, मतलब एक्स कैलकुलेट करना है, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर
एंड दैट इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। एल नॉट को हमने एल लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा, एक्स हो जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो उस बेस पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कंसिडर द टू सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस आर वन इक्वल्स टू 1 मीटर एंड आर टू इक्वल्स टू 2 मीटर। मासेज एम वन एंड एम टू रेस्पेक्टिवली, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर वन एंड टू आर गिवन, देन द रेशियो ऑफ द एम वन एंड एम टू। तो स्फीयर के लिए सरफेस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो पहले के लिए हो जाएगा जी एम वन बाई आर कितना है 1 स्क्वायर। एंड पहले के लिए हम देख रहे हैं ये फर्स्ट कर्व ये है, फर्स्ट कर्व के लिए ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है 1 पे, तो ये 2 लिख दिया हमने। सेकंड स्फीयर के लिए मास कितना है जी एम टू, मास एम टू है और रेडियस उसका 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लिया। और सेकंड स्फीयर के लिए यहाँ पे ये 2 है और ये कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3। इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, तो एम वन बाय एम टू एजिकल्स टू, ये नीचे रह जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/6। तो इस बेस पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द यूनिट ऑफ प्लैंक एच एंड स्पीड सी एंड द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी एंड एम्पेयर ए इज। यहाँ पे हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का पूछा है डायमेंशन, और ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस ने बोनस किया है क्योंकि इसके 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो बोनस कहते हैं या कैंसिल कहते हैं, उन्होंने कैंसिल किया। फिर हम देख लेते हैं करना कैसे है इसको। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वी नॉट है, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एच सी जी ए, एच प्लैंक कांस्टेंट, सी लाइट का स्पीड, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ए एम्पियर, इसका पावर ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। यहाँ पे हम इन सब का डायमेंशन रख सकते हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन रखने जाए तो प्लैंक कांस्टेंट होता है जूल इनटू सेकंड, तो ये हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस वन और पावर हमने रख दिया ए। लाइट की स्पीड एल वन टी माइनस वन और ये पावर रख दिया हमने, ये माइनस वन है, पावर रख दिया बी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन हो जाएगा एम वन एल एम माइनस वन एल थ्री एंड टी माइनस टू और पावर हो गया सी। अब रही बात एम्पियर की, एम्पियर को हम ए से ही डिनोट करेंगे, ए की पावर डी, ये फंडामेंटल यूनिट्स में है। इधर हमें वोल्टेज की डायमेंशन रखनी है, वोल्टेज जो होता है वर्क को हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से हम वोल्टेज का डायमेंशन ले लेते हैं, वह है एम वन एल टू, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो इस बेस पे यहाँ से हम ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकालते हैं, इधर का पावर मैच कर लेंगे, है ना, एम का पावर जो भी आ रहा है ना, एम के जितनी पावर आ रही है यहाँ से आ रही है एम की पावर सी और यहाँ से आ रहा है एम की पावर माइनस सी, तो इसको तो यहाँ से एम एम का पावर इधर कितना है 1, इधर एम का पावर है ए और इधर एम का पावर कितना है माइनस सी, तो इस तरीके से हमारे पास ये एक इक्वेशन मिल गई। इसी तरीके से एल की पावर देख लें, एल की पावर इधर कितना है 2, इधर एल की पावर है कितना 2a प्लस बी प्लस 3c, ठीक है। फिर टी की पावर इधर कितना है माइनस 3, टी की पावर इधर कितना है माइनस ए, टी की पावर यहाँ कितना है माइनस बी, टी की पावर यहाँ कितना है माइनस 2c, ओके। एम्पियर की पावर यहाँ कितना है माइनस 1, उधर एम्पियर की पावर कितना है डी। तो यहाँ से देखिए डी का वैल्यू तो हमें मिल गया है, ठीक है, और इन 3 इक्वेशन से बाकी वैल्यू भी ए बी सी की निकाल लेते हैं। और ए बी सी की निकालने के बाद में हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो वोल्टेज जो आएगा इसकी फॉर्मेट में एच की पावर 0, सी की पावर 5, जी की पावर माइनस 1 एंड ए की पावर माइनस 1। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, जो कि इन 4 ऑप्शन में एक भी नहीं था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर, इट कैरीज द करंट ए फॉर अ सेल ऑफ द 5 वोल्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 20, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी एट द 1000 सेंटीमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर। तो ये हमारे पास में मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, प्राइमरी सर्किट, ये हमारे पास वायर है, ठीक है। इस वायर का लेंथ जो है यहाँ पे हमें 1200 सेंटीमीटर दे रखा है और इसमें जो करंट जा रही है वो है 60 मिली एम्पियर।
इसके साथ में हम एक सेल को बैलेंस कर रहे हैं, और ये जो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है और इसका ईएमएफ 5 वोल्ट है, ओके, और इसको हमने बैलेंस किया यहाँ पे, और ये 1000 सेंटीमीटर की लेंथ पे जाके बैलेंस हुआ, ओके, ये 1000 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। तो इस वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कहते हैं ये 5 वोल्ट इस पे बैलेंस हो रहा है, यहाँ का करंट 0 है, डिफ्लेक्शन 0 है, ये 5 वोल्ट इस पे बैलेंस हो रहा है, तो 5 इज इक्वल्स टू, हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स मान लेते हैं, तो 5 इक्वल्स टू एक्स एल, तो एक्स इंटू एल, एल इसका कितना था 1000, ये सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास में इस सेल को हमने बैलेंस कर दिया है, ठीक, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। यहाँ से हमारे पास में एक्स निकल के आ गया, एक्स आ गया हमारे पास में कितना 5/1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज एक्स। दूसरी बात जो है कि इसमें अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक पे जो पोटेंशियल निकला है, टोटल पोटेंशियल, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हमें मिल गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया तो टोटल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है x और टोटल लेंथ कितना है इसका 1200, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है v, दैट इज इक्वल्स टू 5/1000 मल्टीप्लाइड बाई 1200, ओके। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाएगा 2020 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, ओके, ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, ये कैंसिल हो गया, 1/2 यहाँ रह जाएगा, तो ये 6 वोल्ट आ जाएगा। जब 6 वोल्ट इस पे टोटल है और इसका रेजिस्टेंस हम आर मान लें, तो वी इक्वल्स टू आई आर लगा सकते हैं, तो वी हमारे पास में है 6, आई जो है 60 मिली एम्पियर और इंटू आर, ओके, तो हम 6 से 6 कैंसिल कर लेते हैं, तो आर आ जाएगा कितना 1/10 मिली एम्पियर, मिली का ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 से, तो ये आ जाएगा 100 ओम, तो रेजिस्टेंस हो गया 100 ओम, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट प्लीज, अ बुलियन रिलेशन एट द आउटपुट ऑफ द वाई स्टेज फॉलोइंग सर्किट। तो ये डायोड और ट्रांजिस्टर लॉजिक है, DDTL है ना, लॉजिक डायोड डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें देखिए कि जब हमने यहाँ पे इसको ओपन रख रखा है, तो हमने यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे भी 0 दिया, ठीक है, तो इस डायोड की वजह से हमें यहाँ कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, दैट इज 0, और जब यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ जाएगा 5 का, तो मतलब कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिला, मतलब हमने जब 0 दिया तो हमें आउटपुट कितना मिला 1, ठीक। सेकंड, जब हम कहते हैं कि इसमें से कोई भी एक क्लोज है, मतलब हमने यहाँ इनपुट दिया 1, हमने 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो हमें यहाँ पे कितना मिलने वाला था, हमें यहाँ 1 मिलने वाला था। अब चाहे हम ऊपर वाला क्लोज करते, नीचे वाला ओपन करते, अगर यहाँ 1 देते और यहाँ 0 देते तब भी यहाँ पे हमें 1 मिलने वाला था, और दोनों को 1 कर देते हैं, मतलब कि दोनों क्लोज करते तब भी यहाँ हमें 1 मिलने वाला था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे दोनों 1 हो या 1 1 1 0 हो, तो हमें यहाँ पे 1 मिलने वाला। अगर यहाँ 1 है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 है तो ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो यहाँ पे शॉर्ट हो गया, तो इस पे हमें क्या मिलने वाला है 0, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया, तो ये पूरा ही क्या हो गया शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट हो गया तो फिर यहाँ पे क्या मिलने वाला है 0। तो मतलब कि अगर 0 1 हो या 1 0 हो या 1 1 हो, तीनों ही केस में हमें क्या मिलने वाला है 0, और ये ट्रुथ टेबल होती है किसी नैंड गेट की, और नैंड गेट की होती है तो उसका आउटपुट होता है A⋅B⋅, ओके, सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, द प्रोटोन विद द काइनेटिक एनर्जी 1 MeV फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट गेट एक्सेलेटेड ऑफ द एक्सेलेशन ऑफ 10^12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय अप्लाइड ए मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट मास ऑफ द प्रोटोन इज दिस। इस क्वेश्चन में हमें एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जो प्रोटोन है वो जा रहा था साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है वेस्ट टू ईस्ट, तो परपेंडिकुलर अप्लाई कर लिया है, तो एफ इक्वल्स टू QVB साइन 90 हो जाएगा, ये फोर्स हो गया, और इस फोर्स को लिख सकते हैं MA, तो यहाँ से हमें B निकालना है, ये B हो जाएगा MA बाय दैट इज डिवाइडेड बाय Q इंटू V, ओके,
वेलासिटी को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलासिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलासिटी को लिख सकते हैं 2k by m. सो ये हो जाएगा एम ए अपॉन क्यू 2k by m. ओके तो इसमें हमें प्रोटॉन का मास मालूम है, ओके प्रोटॉन का चार्ज मालूम है, काइनेटिक एनर्जी मालूम है और एक्सेलेरेशन मालूम है. काइनेटिक एनर्जी जो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है वो 1 × 10⁶ इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ये काइनेटिक एनर्जी हमें रखनी होगी. एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन हमें रखना होगा 10⁻¹२. ओके इन सब की वैल्यू रखने के बाद में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है हमें 0.71 × 10³ टेस्ला, दैट इज इक्वल टू 0.71 मिली टेस्ला. तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट हमसे कहा है थ्री चार्ज पार्टिकल ए बी सी विद द चार्ज दिस 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 आर प्रेजेंट एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द डी. ओके द चार्ज पार्टिकल ए एंड सी एंड ओ, ए सी एंड ओ फॉर्म्स द फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अलोंग द एक्स डायरेक्शन. ओके ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है और वो भी एक्स डायरेक्शन का पूछा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों की वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों चार्ज की वजह से आ रहा है. तो हम हमें एंगल सबके मालूम है, दिस इज 150 तो 90 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा. ओके तो अब हम कहते हैं कि देखो इस पॉइंट पे, ठीक है इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, ये क्या करेगा टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. सी तो हमारे पास में तीन फील्ड के कंपोनेंट आ गए. अब हम कंपोनेंट की वैल्यू लिख दें, जैसे इसकी वैल्यू, ठीक है तो ये कितनी डिस्टेंस पे, ये हमारे पास डिस्टेंस डी, रेडियस डी दे रखा है, ठीक है तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, हो जाएगा के 2q बाई आर स्क्वेयर, आर का मतलब डी स्क्वेयर, तो दोनों का ये 2 मिला के 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है और उस तरफ हो जाएगा के 4q बाई डी स्क्वेयर. ओके नाउ इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे साइन 30 और साइन 30 वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा इसका कॉस कंपोनेंट 4 kq बाई डी स्क्वेयर इंटू कॉस 30 और इसका भी ऐसे ही, तो इसको 2 टाइम्स कर लें, दैट इज इक्वल टू ई एक्स, दैट इज इक्वल टू ई एक्स. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करके हमें मिल जाता है √3q/π/εod² तो ये हो जाता है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट प्लीज. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर रेजिस्टेंस ऑफ द 15, 12, 4, and 10 ओम रेस्पेक्टिवली इन साइक्लिक ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. द रेजिस्टेंस दैट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 10 ओम रेजिस्टेंस टू बैलेंस द नेटवर्क. तो हमारे पास में एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, ओके और यहाँ पे ये फोर रेजिस्टेंस है साइक्लिक ऑर्डर में लें, ये 15, ये 12, ये 4 और ये 10 और 10 के यहाँ पे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रखा है आर. आर कितना हो जिससे कि ये बैलेंस हो जाए, तो ये हो जाएगा 15/10R/10+R, दैट इज इक्वल टू 12/4. 12/4 कितना हो गया, 3. ओके सो इसको फर्दर सॉल्व करें यहाँ से, ये हो जाएगा 15 × 30R/10+R, ठीक है तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2R. ओके ये हो जाएगा 10+R, तो R हमारे पास में आ जाएगा कितना, 10 ओम. सो करेक्ट आंसर विल बी 10. ओके नेक्स्ट प्लीज. A body A of mass 0.1 kg has the initial velocity of this collide elastically with another body B of the same mass, and with an initial velocity of 5 j kb. After collision, A move with such a velocity, then the energy of B after collision is written by this, then what is x? देखिए पहली बात तो ये कि collision कैसा है, collision है elastic. अगर collision elastic है, collision कैसा है elastic, तो elastic collision में एनर्जी भी कंजर्व रहता है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है. हम मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम, देखिए मास दोनों का सेम है तो इनिशियल मोमेंटम हो गया एम
एम को एम रहने दिया, इंटू वी, वी हो गया 3i कैप, प्लस दूसरे का है एम इंटू 5j कैप, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम है ए, ए जा रहा है एम इंटू 4i+j, और दूसरे का हो जाएगा एम इंटू वी, दैट इज। तो यहाँ से हम दूसरे बी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये एम से एम से एम हमारे पास कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से जो वी निकल के आता है वो आता है 3i कैप -4i कैप, दैट इज -i कैप, 5j कैप -4j कैप, दैट इज -j कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास में वी जो आ जाता है मैग्नीट्यूड में, दैट इज √2, ओके। अब हमसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो ये हमारे पास में बी की आफ्टर द एनर्जी ऑफ बी आफ्टर कॉलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी आफ्टर कॉलिजन दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम, एम कितना है 0.1, और √2 का स्क्वायर दैट इज 2, ये कितना हो जाएगा 1/10 दैट इज इक्वल टू x/10, तो x कितना हो गया, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, ओके। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है 1 meter long both end open organ pipe is capped in a gas that has the double the density of air at STP. Assuming the speed of sound and at STP is this, the frequency difference between the fundamental and the second harmonic of this pipe. देखिए open organ pipe है, open organ pipe में fundamental ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर ये L है, clear? तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होता है λ/2, तो λ/2 इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा कितना आ जाता है 2L, तो V इक्वल टू एफ एल से F हो जाएगा V/2L, तो ये तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, और फर्स्ट यही फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक जो हो गई, सेकेंड हार्मोनिक इसका डबल हो जाएगा 2V/2L, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस किसका, सेकेंड का और फंडामेंटल का, ये जो डिफरेंस हो जाएगा ये हो जाएगा V/2L। L हमें 1 meter दे ही रखा है, अब हमें V लेके आना है, ठीक है। V लाने के लिए हमें STP पे एयर का ले दे रखा है हमें, ठीक है। एयर का जो V होता है वो होता है γP/ρ, ओके, γP/ρ। अब हमने कहा γP/ρ, डेंसिटी डबल है, डेंसिटी क्या है डबल, तो जब डेंसिटी डबल है तो V हमने ले लिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ρ, ठीक है। तो V ये हो गया कितना 300, ठीक है, और एक का 300 है, तब ये कितना है रो, ये तो हो गया एयर में, किसमें हो गया एयर में, और गैस में डेंसिटी क्या है डबल है, गैस में डेंसिटी डबल है, तो इसको 2 रो कर दिया हमने, और ये हमने V ले लिया, ठीक है। ये V हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो V यहाँ से आएगा V/300, ओके, दैट इज इक्वल टू 1/√2, ओके। सो V आ जाएगा हमारे पास में 150√2, ओके। तो यहाँ पे V की वैल्यू डाल दी हमने 150√2 डिवाइडेड बाय 2, L कितना है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 से 2 75√2, ओके, हर्ट्ज में हो गया, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 106 अबाउट, नियरली अबाउट कितना 106 हर्ट्ज, √2 का वैल्यू 3 digit में रखें। नेक्स्ट हम तो कहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद द कोऑर्डिनेट विद द एक्स टी इज इक्वल टू दिस, देखिए पार्टिकल का एक्स टी कोऑर्डिनेट दे रखा है 10 + 8t - 3t², क्लियर। अब हमने कहा dx/dt है ना, तो dx/dt इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो v1 कह देते हैं, ये हो जाएगा 16t - t^1 है, ओके, टी की पावर 1 है, तो ये 8 हो जाएगा, अगर ये टी की पावर 1 है तो ये आ जाएगा कितना 8, ओके, -6t, तो ये हमने लिख दिया 8 - 6t, ये v1 हो गया, और ये हमसे पूछ रहा है कि एट t = 1 second पे, तो t = 1 second पे इसका स्पीड कितना हो गया, t = 1 second पे इसका स्पीड हो गया कितना 2, ठीक है। फिर हमें दूसरे पार्टिकल के लिए, ठीक है ना, अनदर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे जा रहा है तो y हो जाएगा
फाइव माइनस एट टी क्यूब, ये वाई हमने लिख दिया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी, ये फिर वेलोसिटी आ गई सेकेंड पार्टिकल की, और ये हो जाएगा जीरो माइनस 24 और टी स्क्वेयर, और टी का वैल्यू वन रख दिया तो ये हो जाएगा माइनस का 24, ठीक है। अब ये तो आई कैप डायरेक्शन में है ना, और ये जो है जे कैप डायरेक्शन में है, ओके। तो इनका जब रिलेटिव ले लेते हैं वी वन टू, है ना, द स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ वन, तो वी टू वन हो जाएगा वी टू माइनस वी वन, और फिर हमसे इसका क्या पूछ रहा है, मोड। तो वी टू दैट इज वॉट माइनस 24 जे कैप माइनस 2 आई कैप, इसका जब मोड लेंगे तो 24 का मोड 576 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 580 का रूट, ओके। नेक्स्ट प्लीज। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर इन फ्रंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड इज 30 सेंटीमीटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, फाइंड द फोकल लेंथ। सो ये इसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखा है और ये 3/2 दे रखा है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 दैट इज 3/2 माइनस 1 एयर में रखा हुआ है, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, r2 इनफाइनाइट हो गया, ये 1/2, तो f कितना आ गया यहाँ से, f आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर, सो इसका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द जेई मेंस पेपर, थैंक यू सो मच।